टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अब बनी हुई हैं। ब्रिस्बेन में मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में पूरे 20 ओवर तक खेलने के बावजूद कीवी टीम 6 विकेट पर 159 रन तक ही पहुंच पाई। इंग्लैंड की जीत के बाद ग्रुप वन का पॉइंट टेबल अब पूरी तरह खुल गया है और दिलचस्प हो गया है। इंग्लैंड की टीम अब 4 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। न्यूजीलैंड की टीम बेहतर रन रेट के कारण पहले नंबर पर बनी हुई है। इंग्लैंड की टीम की जीत का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ है, जो अब तीसरे नंबर पर फिसल गई है, और अगर हालात यही रहे तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया यानी होम ग्राउंड पर खेलने वाली ये टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों के ही 4 मैचों में अब 5-5 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका की बात की जाए तो उसके 4 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट माइनस में है। इसके बाद आयरलैंड और अफगानिस्तान का नंबर आता है, जो 5वें और 6ठे नंबर पर है। आयरलैंड के 3 और अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। अफगानिस्तान जहां प्रतियोगिता से आउट हो चुकी है, तो वहीं आयरलैंड भी लगभग बाहर ही है। देखा जाए तो अब 4 और 5 नवंबर को ग्रुप 1 में होने वाले 3 मुकाबले काफी अहम हो गए हैं। 4 नवंबर को पहले मैच में न्यूजीलैंड और आयरलैंड का सामना होना है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानिस्तान, जबकि 5 नवंबर को श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से होगा। इन 3 मैचों के नतीजे से ही ग्रुप 1 की स्थिति पूरी तरह साफ होगी। यानी अगर नेट रन रेट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फेवर में गया, तो ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। बात अगर आज के मैच की कर लें, तो न्यूजीलैंड की इनिंग्स की शुरुआत काफी खराब रही थी और उसने 28 रनों के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स ने 91 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। हालांकि दोनों खिलाड़ियों का अहम मौके पर आउट होना न्यूजीलैंड को काफी भारी पड़ा और वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। इस दौरान जिमी नीशम और डेरिल मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। केन विलियमसन 40 बॉल पर 40 रन बनाकर वापस पवेलियन चले गए। वहीं फिलिप्स ने 36 बॉल्स पर 62 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड की तरफ से सैम करन और क्रिस वोक्स ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही और बटलर ने एलेक्स हेल्स के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी कर डाली थी। हेल्स ने 40 बॉल्स पर 52 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। हेल्स के आउट होने के बाद बटलर ने मोर्चा संभाला और उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को निशाना बनाया। कप्तान बटलर ने 47 गेंद में 73 रन बनाए। बटलर ने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के मारे। इस शानदार पारी के दौरान भाग्य ने भी बटलर का साथ दिया, उन्हें 8 और 40 रन के स्कोर पर 2 जीवनदान मिले। बटलर को पहला जीवनदान पावर प्ले में मिल गया था, जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कवर सीजन में कैच तो पकड़ लिया था, लेकिन जब वो नीचे गिरे तो बॉल उनके हाथ से छूट गई। एक समय इंग्लैंड की टीम 200 रनों का स्कोर बनाते हुए दिख रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने हालांकि अंतिम 3 ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बटलर समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया और इस दौरान सिर्फ 22 रन लुटाए। न्यूजीलैंड की तरफ से लॉकी फर्ग्यूसन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट्स चटकाए। वहीं टिम साउदी, ईश सोढ़ी और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन इस मैच के बाद अब ग्रुप 1 का हाल काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। यानी ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ अपने मैच जीतने होंगे, बल्कि अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर पर विश्व कप से बाहर हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना पाएगी, या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।